यशाया है भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 59। यशाया है भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 59। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और वह ऐसा पहरा भी नहीं हो गया है कि न सुन सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारी उंगलियां हत्या और अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गए हैं, और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता और न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और व्यर्थ बातें बकते हैं। उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई उसको फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। फिर उनके जाले कपड़े का काम न देंगे और न वे अपने कामों से अपने को ढापेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं, और वे बुराई करने दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर है। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे नहीं जानते और उनके व्यवहार में न्याय नहीं है। उनके पथ टेढ़े, उन पर जो कोई चले वह शांति न पाएगा। इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जो होते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम अंधों के समान भीत टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आंख के लोगों की नाई टटोलते हैं। हम दिन दोपहर में रात की नाई ठोकर खाते हैं। हम हष्टपुष्टों के बीच मुर्दों के समान हैं। हम सब के सब रीछों की नाई चिल्लाते हैं और पंडुकों के समान चू चू करते हैं। हम न्याय की बाट तो जो होते हैं पर वह कहीं नहीं, और उद्धार की बाट जो होते हैं पर वह हमसे दूर रहता है। कारण यह है कि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत है और हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग है, और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं कि हमने यहोवा का अपराध किया है और उससे मुकर गए हैं, और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया और अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही और झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है, और न्याय तो पीछे हटाई गई और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश करने नहीं पाती। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है शिकार हो जाता है। यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा और उसने देखा कि कोई मनुष्य नहीं, और उसने इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और वहां अपने धर्मी होने के कारण संभल गया, और उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया और जलन को बागे की नाई पहन लिया, और वह उनके कर्म के अनुसार उनको फल देगा। वह अपने द्रोहियों पर अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा, और याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है, और यहोवा यह कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन मैंने तेरे मुंह में डाले हैं।
तो अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी न। यशाया है भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 59। यशाया है भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 59। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और वह ऐसा बहिरा भी नहीं हो गया है कि न सुन सके।